just went back to my another new blog or का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है दिन के 12 बजे से और आज हम लोगों को निकलना है, हम लोगों की फ़्लाइट है। तो मैं जो है ना थोड़ा सा स्नैक्स लेने के लिए सुपरमार्केट जा रही हूँ, लिडिल सुपरमार्केट, क्योंकि मैंने स्नैक्स लिया नहीं था। जैसे आपको बताया था, मैंने बाकी सामान को मैंने पैक कर लिया था और मेरे साथ सैमी है और मैं भी आ रही हूँ और मैं भी स्नैक्स चूज़ कर सकती हूँ मम्मा। तो फ्रेंड्स चलिए मैं फटाफट से जो है स्नैक्स ले लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर हमें लंच करना है और निकलना है 2 बजे तक हमें, हमारी फ़्लाइट है 4:30 बजे। फ्रेंड्स मैंने जो है ना सामान खरीद लिया, स्नैक्स ले लिए और मैंने भी लिया और मैंने भी होल करा है। ये एक स्ट्रॉबेरी लॉलीपॉप, कोको कोला लॉलीपॉप और ऑरेंज लॉलीपॉप। ये मैंने कुछ ब्रेड ली हुई है, मेरी फेवरेट वाली ब्रेड है गार्लिक ब्रेड, तो इन्हें लेके जाऊंगी क्योंकि ये मॉइस्ट रहती है हमेशा। तो चलिए फटाफट हम लोग घर पे पहुँचते हैं, फिर मैं घर में जाके दिखाती हूँ आपको बाकी सामान। तो फ्रेंड्स ये वाला सूटकेस मैंने पैक किया था अपने और सैमी के कपड़ों के लिए, लेकिन यहाँ पे जो है ना जगह कम पड़ गई थी क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ग्रॉसरी का सामान भी ऐड कर दिया था। तो ये दूसरा सूटकेस आप देख सकते हो, ये मेरे हस्बैंड का है, वो जो कि रात को ही आए थे, तो उनके हस्बैंड के सूटकेस में जो है ना स्पेस था, इसके लिए मैंने उसमें कपड़े ट्रांसफ़र कर दिए। और यहाँ पे मैंने जो बनाया है राजमा राइस का जो है ना पुलाव या बिरयानी, आप जो भी बोल सकते हो, मैंने इसमें बिरयानी मसाला ऐड किया था। ये ट्रैवलिंग के लिए बनाया है क्योंकि हमें पहुँचते पहुँचते घर मतलब एयरबीएनबी रात को 2 बज जाएंगे। और यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए, हम लोगों ने जो है ना उबर करी थी और घर से निकले हम लगभग 2 बजे के करीब। रास्ते में जो है ना मौसम भी बहुत सही था, काफ़ी क्लियर था मौसम, ये देखिए। और हम लोग एयरपोर्ट पहुँच गए थे, लेकिन जो है ना अभी समर वेकेशन है ना इस टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था रोड पे, मतलब सारे मतलब रोड पे क्या, एयरपोर्ट के बाहर इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी ना गाड़ी की कि हमें जो है ना 10 मिनट ऐसे ही खड़े रहना पड़ा। आप देख सकते हो आगे कितनी लंबी लाइन लगी हुई है गाड़ियों की, बड़ी मुश्किल से जाके जो है ना ड्राइवर को पार्किंग मिली। तो हम लोग उतरे और यहाँ पे फिर हम लोगों ने जो है ना अपना लगेज निकाला और एयरपोर्ट के लिए अंदर के लिए निकल पड़े। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं चेक इन लाइन जो है ना कितना लंबा लगा है, बहुत लंबा चेक इन लाइन लगा था। इसके बाद जब हमारा नंबर आया तो हम लोगों ने बोर्डिंग पास लिया और अपना जो है ना लगेज दे दिया था, 2 हमारे पास जो थे बैगेज थे। तो फाइनली फ्रेंड्स हमने जो है ना अपना बैग जमा करवा दिया और हम लोग जो है ना सिक्योरिटी चेक के लिए जा रहे हैं, काफ़ी रश है यहाँ पे एयरपोर्ट पे और टाइम लग गया काफ़ी सारा। तो फ्रेंड्स हमारा सिक्योरिटी चेक हो गया है और अभी हम गेट के पास जा रहे हैं, अभी टाइम हो रहा है 3:30, हमारी फ़्लाइट है 4:20 की, काफ़ी रश है क्योंकि हॉलीडेज़ है। हेलो फ्रेंड्स हम एयरपोर्ट में पहुंच गए हैं, तो मम्मी इधर है तो पहुंच गई है और हम स्नैक्स खाएंगे। तो अभी इधर मे बी लॉन्च होगा, मम्मा लॉन्च होगा इधर, लॉन्च तो यूँ ही करने वाले लेकिन मैं स्नैक्स आई हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना प्ले एरिया था बच्चों के लिए, सैमी ने कहा मुझे थोड़ी देर खेलना है, तो हमारी फ़्लाइट में टाइम था 1/2 घंटे से ऊपर, तो सैमी यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा खेलने लग गई थी। पापा, बस 2 क्यों है?
तो पीछे अंदर गया है इंपॉर्टेंट पार्ट पे देखिए एयरपोर्ट कितना बड़ा है ये, और इसके लिए जो है ना पुलिस वाले भी यहाँ पे जो है ना ये यूज़ कर रहे हैं स्कूटर्स में जा रहे हैं। बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट था, एक साइड से दूसरी साइड जाने में इतना टाइम लग जा रहा था ना। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे गेट के पास टाइम रहते, लेकिन फ़्लाइट थोड़ा सा लेट थी, तो हमने सोचा क्यों ना जब तक हम लोग जो है ना ड्यूटी फ्री घूम लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो ड्यूटी फ्री घूमने लग गए थे। और फ्रेंड्स महंगा इतना था ना इस ड्यूटी फ्री में, जो मतलब जो यूरोप के अंदर रहते यूरोपियन रेजिडेंस और सिटीजन होंगे उनके लिए प्राइस अलग था। उनके लिए तो कम से कम 30-40 यूरो ज़्यादा शो कर रहा था प्राइस, और जो बाहर वाले थे नॉन यूरोपियन उनके लिए थोड़ा सस्ता था। बट कुल मिला के जो था ना वो बहुत महंगी थी, एक्सपेंसिव थी। यहाँ पे परफ्यूम्स वगैरह मैं देख रही थी लेकिन मैंने लिया नहीं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव दिखा रहा था।